क्या विकी जैन के साथ अपने रिश्ते को लेकर परेशान हो चुकी हैं अंकिता लोखंडे? क्या बिग बॉस में आने के बाद अंकिता और विकी के बीच दूरियां बढ़ गई हैं? क्या अपनी शादी से परेशान हैं अंकिता लोखंडे? अब अपने पति विकी से क्यों लेना चाहती हैं वो डाइवोर्स? ये सभी वो बातें हैं जो अब लोग पूछ रहे हैं। लोग इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उनकी लड़ाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि अंकिता ने ये कह दिया कि भाई मुझे तो डाइवोर्स चाहिए। जी हाँ, तो चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है और क्या हो रहा है बिग बॉस के घर में अंकिता और विकी से जुड़ा हुआ। ऐसा लग रहा है कि जब से बिग बॉस में दोनों आए हैं और उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट हो गया है या उनकी शादी का एक टर्निंग पॉइंट, जब से दोनों घर में आए हैं शुरुआत से ही इनकी लड़ाइयाँ देखने को मिली। बीच में अंकिता कहती थी कि विकी मुझे अटेंशन नहीं देता, मुझे इग्नोर करता, जिसके बाद इन दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई। फिर उन्होंने कहा नहीं ठीक है, चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हैं। फिर चीज़ें बिगड़ी और उसके बाद इन दोनों की मम्मियाँ भी आई शो में, उन्होंने भी समझाया, लेकिन उसके बाद भी इन दोनों के बीच में तू तू मैं मैं होती हुई दिखी। आपको बता दें दोनों की शादी 14 दिसंबर 2021 को हुई थी और तब नहीं देखने को मिला था इन दोनों में, मतलब घर से बाहर कोई विवाद नहीं था, लेकिन घर में आकर आर्ग्यूमेंट्स इतनी बढ़ गई हैं, इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई है, कभी कभार ये अपनी लाइंस भी क्रॉस कर देते हैं। जो कट्टर फैंस होंगे इस रियलिटी शो के, वो ज़रूर ये महसूस कर सकते हैं कि अंकिता विकी दोनों बराबर रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी लड़ाइयों को लेकर। लोगों का ऐसा मानना है कि अंकिता की जो टोन है वो कई बार एरोगेंट हो जाती है, और दूसरी तरफ बात करें विकी की तो वो इमोशनली सपोर्ट नहीं कर पाते, उनमें इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है और वो अपनी पार्टनर को सिक्योरिटी फील नहीं करवा पाते। अंकिता इनसिक्योर रह जाती है अपने पति को लेकर। तो उसके बाद यहाँ पर अंकिता ने कहा भाई मैं तो अपनी मैरिज से, अपनी शादी से डन। कल के एपिसोड में देखा गया कि उन्होंने साफ साफ कहा कि वो विकी के साथ घर में नहीं जाना चाहती। एक बार शो खत्म हो गया तो अंकिता ने कहा मैं तो घर जाना ही नहीं चाहती तेरे साथ। और उसके बाद जो बिग बॉस को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं उन्होंने ये भी देखा होगा कि जो अंकिता है वो ज़्यादातर कंप्लेन क्या करती हैं विकी के बारे में। मतलब जो रोज़ शो देखते हैं उन्हें ये भी पता होगा कि अंकिता बस यही कंप्लेन करती है विकी के बारे में कि जो विकी है वो इमोशनली मुझे सपोर्ट नहीं करता है, और जब भी मैं किसी के साथ लड़ाई में घुसती हूँ तो वो मुझे रोकने की कोशिश करता है, मेरी लड़ाइयों में वो इंटरवीन करता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी लड़ाई है और उसमें वो इंटरवीन करे। हमने ये भी देखा है कि वो विकी के आसपास घूमती रहती हैं कि हाँ विकी उन्हें अटेंशन दे रहे। हाउएवर ये देखने को मिला कि जो बिजनेस मैन है यानी कि जो विकी जैन है वो ज़्यादातर इंटरेस्टेड नहीं है। वो काफ़ी बार उनको प्यार से रखने की कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि वो गेम में ज़्यादा फोकस रखते हैं विकी जैन। उनका ऐसा मानना है कि ये तो हम घर पर भी कर लेंगे, अभी गेम खेलने आए तो लेट्स फोकस ऑन गेम। और अंकिता को यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है और जब वो निराश हो जाती हैं तो वो बाकी कंटेस्टेंट्स जैसे कि ईशा मालवीय और पहले जब खानजादी थी घर में तो उनसे शेयर करती थी कि मैं ये फील करती हूँ। और उनकी जब ज़्यादातर लड़ाई होती है तो यही देखा जाता है कि अंकिता यहाँ पर नाराज़ होती हैं और फिर अंकिता ही अपोलोजाइज करती हैं और सॉरी बोलती हैं। कल के एपिसोड में भी कुछ ऐसा हुआ, अंकिता और विकी की लड़ाई हुई, मतलब अंकिता, विकी, आयशा और मुनव्वर ये चारों बात कर रहे थे। इस पर आयशा भी अपने पॉइंट व्यू पॉइंट रखती है, मुनव्वर भी रखता है, तो ये सब बैठे हुए थे। तो विकी एक्सप्लेन कर रहा था अंकिता को कि क्यों जब अभिषेक से उसकी लड़ाई हो रही थी तो मैंने तुझे पीछे क्यों खींचा। तो विकी अंकिता को बता रहा था जब अभिषेक से लड़ाई हो रही थी तो मैंने तुझे पीछे क्यों खींचा। तो देखा गया था कि वैसे उनको लेकर चले गए थे विकी अंकिता को, तो उसके बाद कन्वर्सेशन ने इतना गर्म मोड ले लिया कि अंकिता ने कहा विकी को कि अभी के अभी चले जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। और उसके बाद विकी को भी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तो उसने फिर रिटर्न में ये कहा कि अपना बिहेवियर प्लीज़ सुधार लीजिए। तो अंकिता इतने गुस्से में होती है कि वो कह देती है कि भाई मुझे तो डाइवोर्स ही ले दो, लेकिन यहाँ पर लेंगी तो नहीं वो। अंकिता और विकी इतने ज़्यादा मैच्योर तो है ही हैं कि हाँ उनमें जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उन्हें सॉर्ट कर लेंगे। मे बी वो बिग बॉस के घर में है जहाँ पर इतनी सारी लड़ाइयाँ होती हैं, तो एक आप कह लीजिए आपका वैसा ही माइंडसेट हो जाता है कि आपको हर इंसान के साथ भी लड़ाई करने वाला ही मोटिव दिखता है कि हाँ मुझे हर किसी से लड़ाई करके ही बात करनी, क्योंकि बिग बॉस का घर है ही ऐसा। तो क्या पता घर से बाहर जाकर उन दोनों की जो रिलेशनशिप है वो पहले की तरह और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए बिग बॉस के घर से
निकलने के बाद उन्हें समझ में आ जाए नहीं हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी है, गेम वेम कुछ नहीं था। तो यहाँ पर विकी जैन गेम से खेलते और अंकिता लोखंडे विकी जैन के अराउंड घूमते हुए देखते हैं कि हाँ विकी मुझे अटेंशन दे दे। आपको क्या लगता है कि इन दोनों के रिलेशन का क्या होगा और क्या ये इन दोनों का गेम प्लान है स्क्रीन टाइम के लिए कि हाँ हमें स्क्रीन टाइम मिल जाएगा बिग बॉस के घर में इसलिए हम यहाँ पर जाकर यही करेंगे, या ये जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है? आप लोगों को क्या लगता है वो हमें कमेंट करके बता दीजिए और तमाम इसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल न्यूज़ ग्रुप के साथ जुड़े रहें।